हाँ दोस्तों नमस्कार, हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत ही बड़ा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो तो अपडेट सामने निकल के आ रही है। हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से कि क्या ईपीएफओ और एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के सदस्यों के साथ में कोई इमरजेंसी बैठक हुई है, क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके जो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम, या यूं कहें कि ईपीएस 95 पेंशन धारक, तो इस इमरजेंसी बैठक का पर्पज क्या था और किस प्रकार की बैठक थी, क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि के लिए बात हो चुकी है अथवा नहीं हो चुकी है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में कुछ यहाँ पे तस्वीरें हैं, लेटर भी हैं, इन लेटरों को भी मैं आपको एक करके दिखाऊंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, फैक्ट के साथ में जो कुछ भी होगा आपके सामने यहाँ पे मैं स्क्रीन पे प्ले करके दिखाऊंगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर क्या क्या अपडेट सामने निकल के आ रही है उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें हुई हैं इन बीच ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर, और बहुत सारी अपडेटें आई हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस प्रकार से पेंशन की राशि मुहैया करवानी है और उनमें कौन कौन से नेता हैं जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में खड़े हुए हैं, सर कौन कौन से वो सांसद हैं जो खड़े हुए हैं, कितने सांसदों को यहाँ पे ज्ञापन दिया गया, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या भूमिका है, क्या योगदान है, क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवाने की बात हो रही है या नहीं हो रही है। अब बात करते हैं कि अपडेट कहां से निकल के आ रही है या खबर कहां से निकल के आ रही है, उसके सोर्स को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए एनएसी का मुख्यालय जो है बुढ़ाना महाराष्ट्र में है, जहाँ पे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम वहीं से वर्क करती है, तो उनके सभी प्रतिभाशाली एनएसी पदाधिकारियों हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत जी का अति महत्वपूर्ण संदेश। ये जो संदेश है, ये जो जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये स्वयं माननीय कमांडर अशोक रावत जी के माध्यम से ये जानकारी आई है, अपडेट आया है। इस अपडेट को तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारक और साथ ही साथ में जितने भी एनएसी के पदाधिकारी हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाना था, कृपया ध्यान दीजिए। आदरणीय भाइयों एवं बहनों, आप सभी सामूहिक सहयोग व सहभाग से हमारा जो राष्ट्रीय संघर्ष है या हमारा संघर्ष है, वो संघर्ष जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए है, वो हमारा संघर्ष जो है बिल्कुल चरम सीमा पर है, और हमारी न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु दिनांक 27/8/2024 को ईपीएफओ द्वारा निधि आपके निकट कार्यक्रम में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपे जाने की आवश्यकता उपयोगिता महसूस की जा रही है। ठीक है, और इसके आगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसके आगे क्या है। आप सभी से प्रतिभाशाली पदाधिकारियों से निवेदन है कि इसे आपातकालीन कार्यक्रम समझते हुए संपन्न करवाएं। तो ये था ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि के लिए माननीय कमांडर अशोक रावत जी द्वारा एक संदेश था। ये संदेश था कि 27 तारीख और 27 तारीख यानी कि कल के डेट में, आज 26 तारीख है, 26 तारीख के डेट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कल के डेट में ईपीएफओ के साथ में जो निधि आपके निकट कार्यक्रम, जो ईपीएफओ का कार्यक्रम है निधि आपके निकट, उस कार्यक्रम में यहाँ पे इमरजेंसी बैठक हो सकती है कमांडर अशोक रावत जी या राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम और ईपीएफओ के द्वारा। इसमें कौन कौन हो सकते हैं, यहाँ पे ईपीएफओ द्वारा निधि आपके निकट में एडिशनल सीपीएफसी आरपीएफसी के माध्यम से माननीय श्रम मंत्री तथा अध्यक्ष सीबीटी के नाम का ज्ञापन सौंपने की आवश्यकता है, वह उपयोगिता महसूस की जा रही है। आप सभी प्रतिभाशाली पदाधिकारियों से निवेदन है कि इसे आपातकालीन कार्यक्रम समझते हुए इसको संपन्न करवाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी थी जो कि कमांडर अशोक रावत जी के माध्यम से साझा किया जा रहा है तमाम ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए। अब इसमें क्या है, यहाँ पे कुल मिला के एक तस्वीर आपको ये दिखाई दे रही होगी, इस जो ये लेटर्स हैं, ये लेटर भी ऑलरेडी 27 तारीख के डेट में छप चुके हैं, इनको देना है, इनको बांटना है। अब इनको कहाँ कहाँ देना है, कहाँ कहाँ बांटना है, ये सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वहाँ पर अटैच आपको मिल जाएंगे, और आपको हमारे व्हाट्सअप पर भी ये सारी तस्वीरें आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी और वीडियो के माध्यम से आप तक सही जानकारी सही मैसेज पहुँच
जरूर से होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए ईपीएफओ के साथ में इमरजेंसी बैठक हो चुकी है, यहाँ पे निर्णय लिया जा चुका है, ऐसा थोड़ा सा इसमें डिले है। कल के डेट में क्लियर हो जाएगा कि क्या निर्णय लिया जाएगा। आज 26 तारीख है और आज के डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग पहले से वीडियो बना के बता भी चुके हैं कि क्या निर्णय आएगा, किस प्रकार का निर्णय आएगा, संभवतः ऐसा एक संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन फिलहाल उम्मीद है दोस्तों कि अच्छा ही रिजल्ट निकल के आएगा यूपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। प्यार आशीर्वाद सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।